गाइज वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं व्लॉग 10 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। लास्ट मैंने शूट किया था कॉन्वोकेशन वाले दिन और उसके नेक्स्ट वाले दिन। उसके आने के बाद से बस सो टायर्ड यार मेरे को, मतलब ऐसा कुछ खास अंदर से मोटिवेशन नहीं आया कि चलो व्लॉग बनाते हैं। बट मैंने यूट्यूब पर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहा है, मतलब गैप नहीं आने दिया है। शॉर्ट्स हो गए या फिर पॉडकास्ट हो गया या फिर व्लॉग ही हो गया, मैंने पोस्ट किया है रेगुलरली जिससे गैप ना आ जाए यूट्यूब पे एंड तुम लोग को ऐसा ना लगे कि मैं इनएक्टिव हो गया हूँ। तो इन 10 दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत कुछ है बताने को। मैं शुरू से बताता हूँ। लाइक आई टोल्ड यू गाइज इन माई लास्ट व्लॉग कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ इस मंथ, राइट? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यस, 18th को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बट हुआ ये कि मेरा प्लान कैंसिल हो सकता था। लाइक मैं बहुत डाउट में था कि चलो दिल्ली जाना है नहीं जाना है। 5-6 दिन मैंने लिए फ़्लाइट बुक करने में एंड जैसे ही मैंने बुक किया, कंपनी के साइड से मेल आता है कि वी आर हैविंग अ प्रोग्राम इन कोलकाता विच इज़ मैंडेटरी बिकॉज लास्ट टाइम हमने मिस किया था एंड दैट प्रोग्राम इज़ ऑन 26th and 27th। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से जाऊँगा दिल्ली और फिर दिल्ली से मम्मा पापा क्योंकि आ रहे हैं वहाँ पे मेरे भाई से मिलने, तो उनके साथ घर चला जाऊंगा। उसके बाद दिवाली में मस्त आऊंगा वापस, दिवाली के मनाने के बाद। बट मेरी किस्मत तो जेठालाल जैसी है, तो प्रोग्राम आ गया, अब मेरे को करना ही है। तो मैंने रिटर्न फ्लाइट करवाई है वहाँ से, दिल्ली से कोलकाता की 25th को, और फिर 26th और 27th प्रोग्राम अटेंड करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे वापस भुवनेश्वर। सोचो सोचो ऐसी किस्मत है ना मेरी हर चीज़ में, ऑब्वियसली हर चीज़ में ऐसी है। बट व्लॉग पर्पज से अच्छा हुआ है क्योंकि एक महीने में 5 सिटीज़ के दर्शन हो जाएंगे मेरे। अब 29th को जैसे आई वॉज इन गोवा लास्ट मंथ, उसके बाद मैं रांची गया, फिर भुवनेश्वर, फिर आई विल बी गोइंग टू दिल्ली एंड देन कोलकाता। तो 5 सिटीज़ इन अ मंथ। एंड आने के बाद वी हैव अ मैच लाइक बेंगलुरु FC वर्सेज ओडिशा FC इन ओडिशा इन भुवनेश्वर बेसिकली। एंड छेत्री द बेस्ट एवर फुटबॉल प्लेयर ऑफ इंडिया, मतलब जिसको मैं उसको मैं देख पाऊँगा अपने आंखों के सामने, तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर द व्लॉग एज वेल। यार मतलब कंटेंट तो मिलता ही जा रहा है कुछ ना कुछ। अब कोलकाता वाला जो हमारा प्रोग्राम है उसका भी मैं व्लॉग बना लूँगा। तो व्लॉग पर्पज से अच्छा है, बट मेरे को मिलना था यार मम्मा पापा से, ऐसा और टाइम स्पेंड करना था मेरे को, उनके साथ रहना और घर जाना। ऑब्वियसली घर किसको नहीं पसंद होता है, तो घर जाना था। बट ठीक है, अब दिवाली में जाएंगे जाएंगे ही जाएंगे। एंड बात रही दिल्ली से रिलेटेड, तो दिल्ली यार देखो मेरे को ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है, मेरे को दिल्ली कभी पसंद आया नहीं था। एंड बस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मम्मा पापा आ रहे हैं, मेरा भाई रहता है वहाँ पे, एंड मैं रहने वाला हूँ एक फ्रेंड के पास या फिर मेरी कॉलेज की सीनियर दी थी, शी इज़ जस्ट लाइक माई एल्डर सिस्टर। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं एंड हमेशा मेरा बहुत ध्यान दिया है दी ने। तो आई माइट स्टे एट अ प्लेस। कुछ लोग तो दे वर वेरी डिफरेंट जब मैंने बताया था उनको मैं दिल्ली आ रहा हूँ, एंड नाउ दे आर वेरी डिफरेंट। दे ऑलवेज पीपल लाइक दैट, जस्ट अवॉइड दोस काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ गाइस। एंड दिल्ली में कुछ लोग और भी हैं, बहुत लोग हैं दिल्ली में तो, बट यार सबसे नहीं मिल सकते एंड सबसे मिलने का मन भी नहीं है ऑब्वियसली। जिनसे मिलने का मन है उनसे मिलेंगे एंड बताएंगे उनको कि मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे। और ये सब चीज़ों के अलावा ये कि यस, दिस सैटरडे वी आर हैविंग इंटर PWC क्रिकेट कॉम्पिटिशन एंड आई एम द कैप्टन ऑफ वन ऑफ द टीम्स। यस, योर बॉय इज़ द कैप्टन ऑफ वन ऑफ द टीम्स। एंड मैंने अपने सारे प्लेयर से बोल दिया है कि हमें जीतना ही जीतना है, वरना जो भी ख़राब खेला उसको बेल्ट से मारेंगे। नहीं नहीं, बेल्ट से नहीं मारेंगे, बट बोला है कि अच्छा खेलना है तो हमें अपना बेस्ट देना है। वी कांट अफोर्ड लूजिंग यार, सबसे यंग हमारी टीम रहेगी और हम ही हार जाएंगे तो फिर कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी ऑफिस में। कैसे कैसे हार जाएंगे, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। एंड प्रैक्टिस भी करेंगे उसकी एक दिन पहले, फास्ट बॉलिंग करेंगे, एकदम रूथलेस रहेंगे, कोई भी मर्सी नहीं चलेगी। कॉम्पिटिशन इज़ अ कॉम्पिटिशन गाइज, क्यों, कॉम्पिटिशन इज़ अ कॉम्पिटिशन। एंड अच्छा तुम लोग को बात बतानी है कि जैसे सब लोग की टीम के नेम्स रखे जा रहे थे, सारे कैप्टन्स ने रखे हैं, किसी का स्मैशर्स है, किसी का ग्लैडिएटर्स है, अपनी टीम का नाम पता है क्या? जेठा के जवाज। रिलेट कर गया ना मेरी किस्मत से जेठालाल वाले, बट यस अभिजीत ने नाम रखा जेठा के जवाज, तो जेठा के जवाज नाम है।
एंड यस, इसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा एंड आप लोग को दिखाऊंगा। चलिए अब चलते हैं ऑफिस, ऑफिस जाना है एंड मैं जा रहा हूँ रेडी होने। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. अभिजीत गॉट हिज फुल टाइम ऑफर यस्टरडे। कैसा लग रहा है अभिजीत? अच्छा लग रहा है। एंड उसी लिए आज बिरयानी ट्रीट मिल रही है भाई की तरफ से। मेरे को रायता नहीं पसंद है तो मैंने नहीं लिया है। राहुल ने नया लैपटॉप लिया। कौन सा लैपटॉप लिया राहुल? योगा। योगा किस ब्रांड का है? लेनोवो। जिम के लिए जा रहे हैं। भैया का फिर हमेशा की तरह एक बहाना कि आज उन और वो क्या सांप क्या है। ऋषि भी चलने लगा है जब बीच में, ये भी मिस कर रहा था। इसको खाने से फुर्सत मिलने लगी है। आज भी चल नहीं रहा था। इसको कहीं भी चलना हो तो 50 मिनट पहले बताना पड़ता है कि भाई चल ले, चलना पड़ेगा, और फिर भी तैयार नहीं होता है बंदा। अभी भी लेट ही कर रहा था। अभी गपशप इनको करनी थी। लच्छा पराठा चिकन बटर मसाला खाना था इनको। बाय द वे वी विल बी गोइंग टू राहुल प्लेस आज। उसने लैपटॉप लिया जैसे मैंने दिखाया आप लोग को। एंड उसके अलावा हम लोग वो बता देते हैं चैनल वाला। कौन सा चैनल? अभी जो क्रिकेट वाला तू संभाल रहा है। और वी आर ऑल्सो कमिंग विद अ मर्च। इसका हो गया बट मैं बता देता हूँ, वी आर कमिंग विद अ मर्च। एंड ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में अभी नहीं दे सकते। जब पहला उसका प्रोडक्ट आएगा तो आई विल बी टेलिंग यू गाइस अबाउट दैट। एंड नाम बहुत यूनिक है, नाम बहुत अच्छा था, प्यारा था, अच्छा लगेगा आपको। एक्स्ट्रा वेट डाल देते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ? नो पेन नो गेन। राहुल का बैक पेन हो गया था आज। क्या सही हो गया? सॉरी शी, तो वी आर डन विद जिम। नेक्स्ट डे था आज। काफ रेस बचा है भाई। हो गया भाई काफ रेसेस। अच्छा यस, काफ रेस बचा है और ऑरेंज जूस पीना पड़ गया ऋषि की वजह से। अच्छा, अरे मतलब हम लोग के पास एनर्जी, खाना सही से नहीं ले रहे हम लोग। और आज तो राहुल पार्टी भी दे रहा है नए लैपटॉप की खुशी में, तो उन्हीं के घर। तो हम लोग अब निशित के घर जा रहे हैं। मासी के हाथ का खाना फाइनली नहीं खाना है। मैं वापस रिशूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत गंदे दिख रहे थे हम लोग पहले वाले में। और अच्छा, कोई दुकान मिल जाएगा कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। अच्छा ऋषि, फिर से पूछता हूँ मैं कि मेरे एक दोस्त, जैसा मैंने बताया कि वो कह रही थी कि तुम लोग 3 BHK अपार्टमेंट में रहते हो, जैसे तो 6 लोग रहते हो क्या? Wow. तो इस पे क्या कहना है आपका? कंसीडर्ड एज गरीब। हाँ
हम लोग गरीब हैं पर इतने गरीब नहीं है यार, 3 BHK में 3 लोग रहते हैं हम लोग, और अब जा रहे हैं निश्चित लोग के घर। भाई 1 लाख सैलरी मजा आ गया क्या? ये सब नहीं बोला जाता है इधर। By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत नींद आ रही है, बट अभी हम मूवी देखेंगे क्योंकि हम नाइट स्टे कर रहे हैं तो इतना जल्दी सो थोड़ी सकते हैं। And yep, that's it for the day. Make sure you like, drop a like, comment, share and subscribe to the channel. See you in the next vlog. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time.